हम कर रहे हैं एनएक्स के अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह भी करेंगे, मॉडल भी बनाएंगे। हमारे पास ये ऑटोकैड में एक मॉडल है जिसका मुझे सीएनसी का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले तो मैं सीधा ओपन कमांड लेके जहां पे भी मेरी फाइल पड़ी है ऑटोकैड की वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को किसी ने भेजी है ड्राइंग, तो हम क्या करेंगे, सीधा वो फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो वो हमारे से ऑटोकैड की कुछ ऑप्शंस पूछने लग जाएगा। हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे को सिर्फ फिनिश का बटन दबाना है, तो वो ड्राइंग जो है वो यहाँ पे खोल के दिखा देगा। सेम नाम की फाइल उसने बना दी और हमारे को यहाँ पे दिखा दिया। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी है इसके मिड पॉइंट से इसके। क्यों लगानी है? क्योंकि हमारे को इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो रिवॉल्व कमांड ली और यहाँ पे सिंगल कर्व कर दो, स्टॉप एट इंटरसेक्शन ऑन कर दो। तो मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वो जगह सिलेक्ट होती जाएगी। कोई भी जगह बीच में से छोड़नी नहीं है, सिंपली हमारे को उसको सिलेक्ट करते जाना। जैसे ही 1/4 आधा पार्ट सिलेक्ट हो जाए, वेक्टर लो, वेक्टर सिलेक्ट कर दो, तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, मॉडल तैयार हो गया। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस फाइल को कर सकते हैं सेव। और फिर हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे फाइल से इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ। फाइल में गए और हमने खोल लिया ड्राफ्टिंग, तो होगा क्या, ये एक नई जगह खुल जाएगी जिसमें हम इसकी ड्राइंग शीट बनाना चाहते हैं। अच्छा तो हमने क्या कहा है, हमने कहा न्यू शीट बनाना चाहते हैं A3 साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम, कंपनी का नाम, किसने चेक किया, वो सब कुछ डाल सकते हैं। मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ से हम व्यू ऐड कर सकते हैं, बेस व्यू, कि आपको कौन सा व्यू चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे यहाँ से देखो बॉडी अपने आप सिलेक्ट होगी, टॉप व्यू अपने आप सिलेक्ट होगी। तो मैंने कहा जी मुझे ये व्यू चाहिए और एक ये व्यू चाहिए। तो ये दोनों व्यू आ गए। अगर हमारे को आइसोमेट्रिक व्यू भी चाहिए तो यहाँ से टॉप की जगह कर दो आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक आ जाएगा। Active 1 कर देंगे तो Active 1 आ जाएगा। Active ये वाला कर दो, जो भी चाहिए। इसको रोटेट भी कर सकते हैं या आपको ऐसे देखना, तो वो आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख दो। अब ये कैसा सा आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लाइन के ऊपर करना, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर डबल क्लिक। यहाँ पे जाएंगे हम शेडिंग में, इसको फुली शेडेड कर दें। ये जो स्केच बना हुआ है इसकी आंख बंद कर, ये यहाँ पे स्केच दिख रहा है ना, इसके बीच में हमारे को स्केच भी नजर आ रहा है, तो हम वहां से हाइड कर देंगे तो वो उधर भी हाइड हो जाएगा। यहां से हाइड, इसको अपडेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन, इसको भी अपडेट कर दो। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर को भी हाइड कर सकते हैं, जिस चीज को हाइड करना है उसको चीज को सिलेक्ट करके भी हाइड किया जा सकता है। बस क्लिक करो, ये आंख से बनी हुई आ जाएगी और हाइड कर दो।
है, जो भी डायमेंशन देखनी है वो यहां से डायमेंशन देख सकते। ठीक है, तो सब डायमेंशन आ गए। अगर किसी चीज का डायमीटर देखना है तो डायमीटर देख सकते हैं, रेडियस देखना है तो रेडियस देख सकते हैं। और जब ये बन जाएगा तो हम इसको फाइल सेव एज यहां से पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी पीडीएफ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे पीडीएफ। ओके, तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जो भी हमने नाम रखा वो उस नाम से वहां जाके सेव हो जाएगा। एक काम हम और कर सकते हैं, हम जाएंगे फाइल में मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मॉडल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमारे को करनी है टर्निंग, कैम जर्नल टर्निंग। ओके कर दिया। यहां से जैसे हम पहले करते थे ज्योमेट्रिक व्यू कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा टर्न प्रोफाइल, अगर मैं वर्कपीस दे देता हूँ, पहले वर्कपीस मेरा कौन सा है, मेरा ये वाला पार्ट है। मेरा ब्लैंक कौन सा है, ब्लैंक मैंने कहा जी बाउंड्री सिलेंडर, स्पेसिफाई वेक्टर दिस। तो उस वेक्टर के हिसाब से ये मॉडल बन गया, जो हमने वेक्टर सिलेक्ट किया उस डायरेक्शन सिलेंडर बन गया। ओके, तो अब जब मैं इस टर्न प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक टर्न प्रोफाइल बन गई ऑरेंज कलर की। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट ऑपरेशन, और हम क्या करना चाहते हैं, हम आउटर डाया में रफिंग का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ओके करेंगे, बाउंड्री उसने अपने आप बना ली, कट रीजन उसने अपने आप बना लिया, लीनियर जिगजैग हमारे को चलाना है, कट डेप्थ मैंने कहा जी 1 1 mm की। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस जनरेट बनाएंगे। अच्छा सॉरी, टूल देने की जरूरत है तो हम टूल दे देंगे, किस टूल से कटिंग करनी, तो मैंने कहा जी इस टूल से कटिंग करनी है। ठीक है, ओके करेंगे, जनरेट कर देंगे। टूल पोजीशन गलत हो गई, हमने टूल सही नहीं दिया, वो टूल ना उल्टा आ गया। तो हम यहां से टूल नया लेते हैं, हमने ये वाला लिया था, ये हमें ये वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो अब टूल मेरा सही आया, ओके करेंगे और जनरेट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी अपनी सेटिंग और भी करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइन नहीं बनी जो मैं बोलूं और सारा एनएक्स आ जाए, इसलिए हमारे को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर चला के देखना चाहता हूं तो इसको राइट क्लिक करेंगे, टूल पाथ वेरीफाई, तो ये हमारे को दिखा रहा है कि ये कैसे चलेगा। स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं, प्ले। ठीक है, जबकि इसको आगे से
पीछे की तरफ जाना चाहिए था। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ पे लीनियर ज़िगज़ैग है, यहाँ पे कई तरीके के टूल पाथ है, हम लीनियर ही चाहिए हमारे को। इसको अगर मैं जीरो कर दूं, फिर चला के देखिए अभी भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही। तो इसको वापस 180 कर, यहाँ पे कट डेप्थ वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए कि हर बार मुझे बराबर कट लगा, ठीक है, नहीं तो कम ज्यादा होता रहेगा, वो हमारे लिए सही नहीं है। कटिंग पैरामीटर में हमारे को स्टॉक कितना छोड़ना है, क्योंकि ये रफिंग का टूल पाथ है, तो हम इसमें 0.1 का मटेरियल जरूर छोड़ देंगे ताकि फिनिशिंग की जा सके, और फिर से जनरेट दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको जनरेट करते हैं, जैसे मान लो मेरे को 0.8 का कट मार, तो ये क्या कहता है, अभी ठीक है, ठीक है ना, वो 1 mm का कट उसको ज्यादा लग रहा था, इस वजह से एरर आ रहा, अभी बिल्कुल ठीक है, 0.8 का कट बना दिया हमने। वेरीफाई करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करके दिखाएगा। ठीक है, नॉन कटिंग पैरामीटर में और क्या हो सकता है, नॉन कटिंग पैरामीटर में एंगेजमेंट कैसे होगी, एंट्री कैसे लेगा। ठीक है, एंगेज कैसे होगा, रीट्रैक कैसे होगा, क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, वही कितनी दूर रहे टूल, वो सारा कुछ आ गया। ओके, ये जो ज्योमेट्री है टर्न प्रोफाइल की, ये ऑटोमेटिक आई है, ये बस देख रहे, ये पार्ट बाउंड्री से ऑटोमेटिक आई है, कहां से लेके कहां तक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक थे तो उसने अपने आप ले लिया। अब इसका अगर प्रोग्राम देखना है तो यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस करो, अब यहाँ वायर रेडियम की जगह लेथ कर लेंगे, लेथ 2 एक्सिस, और ओके कर देंगे, तो ये हमारे को सीएनसी टर्निंग का प्रोग्राम बना के दे देगा। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम सीएनसी टर्निंग का प्रोग्राम बना सकते हैं एनएक्स के अंदर। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था मिलिंग का प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसमें हमने देखा कि अगर मेरे पास ऑटोकैड की फाइल है तो उसको ला के मैं रिवॉल्व कैसे कर सकता हूँ, उसकी ड्राइंग कैसे बना सकता हूँ, और उसका प्रोग्राम कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है एडिट कर लो। अभी इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है, पर हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ में आएगा तब हम दूसरी चीज कर सकते। एक बार जनरेट फिर से और इसको कर दो वेरीफाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम टूल पाथ को नन किया हुआ है, इसको अगर हम ऑल कर देंगे तो हमारे को यहाँ पे टूल पाथ भी नजर आएगा। ओके कर देंगे तो ये ओके। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट होने भी चाहिए, तो वो हम सारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वो भी सॉल्व करेंगे।
कुछ छोटी छोटी चीजें और भी बताऊंगा, फीड स्पीड कैसे देनी है, डेप्थ ऑफ कट कैसे देना है, पैरामीटर्स कैसे चेंज करने हैं, इसकी डायरेक्शन पीछे से चल रहा है ये, आगे से कैसे चलनी है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। वीडियो हमारी काफी लंबी हो गई, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करना।